सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों आप जो है विंडोज 10 में और 11 में जो है टाइम फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं 24 आवर्स टू 12 आवर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज एंड रीजन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रीजन का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसकी सेटिंग्स में जो है आपको रीजनल फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस वाले एरो पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये फीचर जो है एक्सटेंड हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर चेंज फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम है, तो आपको जो है यहाँ पर इसको जो है 0940 AM यहाँ पर ये AM वाला जो है आपको सेलेक्ट कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास अभी ये 12 आवर में जो है शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है ये 12 आवर्स में जो है शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर फिर से चेंज करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 24 आवर्स में जो है टाइम शो हो रहा है। तो इसी तरीके से जो है आप इजीली टाइम फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं विंडोज 10 में और 11 में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरह एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।